गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी कटरा। तो अभी हम उठ चुके हैं, 2 बज रहे हैं। ठीक है, अब हम निकलेंगे 3:30 बजे। 6 बजे की हमारी ट्रेन है दिल्ली से, वंदे भारत कराई है हमने। तो फिर आज हम जाएंगे, काफी मजा आएगा। ठीक है, तो देखते रहना। हे गाइस, तो अभी हम हो चुके हैं सब रेडी और बस निकलने वाले हैं, बस 5 मिनट में। तो अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। अब 6 बजे हमारी ट्रेन चल पड़ेगी और अभी बज रहे हैं 4:50। तो मिलते हैं ट्रेन में। हे गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रेन में। 5:40 ट्रेन आ गई थी, अभी 5:50 हो गया, अभी हम बैठे हैं। 6 बजे तक चलेगी, काफ़ी सही है, 20 मिनट पहले आ गई, सही रहता है। और आपको दिखाता हूँ मैं ट्रेन। ये देखो, यहाँ बैग रखने की जगह है, काफ़ी सही है। और ये सीट्स हैं, थोड़ी सी मिट्टी लग रही है, ठीक है बाकी। और ये अपना पैर रखने वाला, ये ऐसे भी हो जाता है, कहाँ से होगा, रुक अटक गया ना, छोड़ो, मुझे सही लग रहा है ऐसे ही। ये मेरा, और ये ऐसे नीचे आ जाती है पूरी, काफ़ी सही है ये। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, काफ़ी सही है। यहाँ पे विंडो है, पूरा व्यू अच्छा आ रहा है। और ये रीडिंग लाइट्स दी हुई है, सीट काफ़ी अच्छी है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे आर्म रेस्ट है, यहाँ पे आर्म रेस्ट है। और ये देखो, इससे रिक्लाइन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आगे भी हो जाती है, पीछे भी हो जाती है, तब काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है, मतलब काफ़ी अच्छी ट्रेन है, सब सुविधाएँ मिली हुई है। अब देखते हैं पानी मिल रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो गाइज, अभी हमें बॉटल और कप सर्व कर दिए गए हैं। ये देखो, ये आधा लीटर की बॉटल है, रेल नहीं की सर्व करती। और ये हाँ कप है, सही है काफ़ी। भाई अभी देखा मैंने, वाईफाई ऑन करते ही अपना ये वेबसाइट पे ले जाते हैं, वहाँ पे जितनी वीडियो तो मैं दे रखी है उतनी होती है, अलग नहीं होती। तो अभी इन्होंने हमें दिए टिकट और बिस्किट, अभी गर्म पानी शायद देंगे, देखते हैं कैसे होता है इनका। और ये कुछ इस पर लिखा है, काफ़ी अच्छे से ही देते हैं ये, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब एक बार तो आपको आना ही चाहिए। और बिस्किट ओट्स वाले बिस्किट है यूनिविक के, मैं आपको खा के बताता हूँ, सही बिस्किट है काफ़ी। आपने डाइजेस्टिव खाई होगा भी, तो वही है, अच्छी बिस्किट है काफ़ी। अभी गर्म पानी देंगे तभी बनाएंगे। ठीक है गाइस, देखो टिकट थी, इसके अंदर हमें चीनी मिली है, एक ये दूध है, और ये एक स्टिर कर निकली है, और एक टी है। तो अभी आ रहा है ब्रेकफास्ट। तो गाइस, अभी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ अपने ब्रेकफास्ट में क्या आया है। सबसे पहले इन्होंने दिए 3 कुलचे, सही लग रहा है काफ़ी। और अब देखते हैं खोल के क्या है इसमें। यह आ गए अपने वेज कटलेट, इसके बाद ये छोले होंगे शायद, खोल के दिखाता हूँ आपको। यह आ गए छोले, क्वांटिटी काफ़ी कम लगी। और साथ में चोको पाई सॉस और ये सैंडविच दिया, खा के बताता हूँ। तो गाइस, ब्रेकफास्ट का टेस्ट काफ़ी सही था, और छोले की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, लेकिन काम चल जाएगा आपका। और इसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ ऑप्शन आई थी हमारे पास, टी कॉफ़ी या जूस की, तो मैंने तो जूस लिया था, वो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। ठीक है, ये देखो गाइस, जिसके लिए वंदे भारत जानी जाती है अपनी स्पीड के लिए, तो अभी अपनी मैक्सिमम स्पीड में चल रही है 131। और ये ट्रेन दिल्ली से चलती है, पहला स्टॉप आता है लुधियाना, दूसरा अम्बाला, और फिर जम्मू और कटरा। अभी बज रहे हैं 10 और जम्मू तावी यहाँ से दिखा रहा है 200 किलोमीटर और, तो काफ़ी टाइम रहेगा। भाई यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम है, आधी सीट अलग दिशा में, आधी अलग, तो अभी उल्टी जा रही है, ऐसे अच्छा लग रहा, मतलब एक तो ऐसे और पूरी होता जा रहा है। ठीक है, और खाने का मैं रिव्यू दूँ आपको, तो सब सही था, छोले की क्वान्टिटी कम थी, और कहते हैं कटलेट भी ठीक है, कटलेट भी अच्छे लगे मेरे को, वेजीज बहुत अच्छे, मेरे को तो इच्छा लगी किसी को अच्छी भी लग सकती है। ये देखो गाइस, इसमें क्या कहते हैं, चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है हमें, 2 दिए हुए हैं शेयर करने के लिए। ठीक है, उस साइड पता नहीं मेरे को, एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया, उस साइड शायद दिया हो, देखा नहीं मैंने उस साइड का, तो मैं तो बस उसका वेट कर रहा हूँ जम्मू तवी के बाद क्या व्यू आएगा। तो अभी हमारा लंच आ चुका है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये सब है इसमें, 2 रोटी, आलू पनीर, चावल और दाल और दही, सही लग रहा है काफ़ी, आपको टेस्ट करके बताता हूँ।
तो गाइस खाना सोसो ही था, लेकिन आप खा सकते हो, ऐसी बात नहीं है खाया ही नहीं जाए। तो गाइस स्वीट डिश में हमें वनीला आइसक्रीम दी थी, और जम्मू के बाद आप व्यू इन्जॉय करना, और अगर आपका प्रीपेड सेम है तो वो जम्मू के बाद चलता भी नहीं है। तो गाइस 8 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी कटरा, वो सामने अर्धकुंवारी दिख रहा है शायद से। तो स्टेशन पे हो रही थी काफ़ी भीड़, क्योंकि अभी अभी ट्रेन आई थी, बहुत सारे लोग आए थे इसलिए। तो गाइस यात्रा करने के लिए हमें चाहिए होता है RFID कार्ड, जो आप स्टेशन से भी बनवा सकते हैं या ताराकोटा मार्ग या बस स्टैंड से बनवा सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं, और स्टेशन पे ना सही बता रहा हूँ इतनी भीड़ थी, अभी हम होली के टाइम में आए हैं फिर भी इतनी भीड़ थी ना, मुझे लग नहीं रहा था इतनी भीड़ होगी, लेकिन बहुत भीड़ थी।